इंदौर में मैग्निफिसेंट ऑफ एमपी को लेकर कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने न्यूज वर्ल्ड से बात की। पीसी शर्मा ने कहा, आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए टर्निंग पॉइंट के रूप में याद किया जाएगा। अब मध्य प्रदेश टाइगर की तरह जंप करने वाला है। हमारे साथ प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा जी हैं। इन्वेस्टर समिट में जो मैग्निफिसेंट एमपी आए हैं, पूछते हैं उनकी क्या प्रथम प्रतिक्रिया है, किस तरह से उन्होंने देखा सुना और अब क्या उम्मीद है। मैं समझता हूँ कि ये मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में रियली मैग्निफिसेंट था, और जिस तरह से एक एक बड़े बड़े उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री जी की और उनकी कार्यशैली की तारीफ की है, वो निश्चित तौर पर 18 अक्टूबर 2019 मध्य प्रदेश के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट होगा, जब मध्य प्रदेश में बहुत से उद्योग आएंगे और बहुत से इन्वेस्टमेंट आएंगे और पूरे मध्य प्रदेश में आएंगे। जिस तरह से पिछले 8 महीने में कनेक्टिविटी एयरलाइंस की जोड़ी है, भोपाल इंदौर बाकी ग्वालियर से जोड़ी, और जिस तरह से ये यू आए उद्योगपति है, क्योंकि हम डिस्पोजल नहीं कर पा रहे, सरकार ज़्यादा फास्ट है, ये आज तक कभी नहीं हुआ है। और जिस तरह से एक शो में टाइगर बताया गया था, टाइगर जंप्स, मतलब कमलनाथ जी नेतृत्व में टाइगर जंप्स का मतलब यह है कि उद्योग के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में, प्रोग्रेस के मामले में मध्य प्रदेश बिल्कुल टाइगर की तरह जंप करेगा। आप यहाँ इससे लगातार इस आयोजन से जुड़े रहे, हम मंत्रियों को यहाँ बुलाया गया, कम लोगों को बुलाया गया, बहुत थोड़े से लोगों को बुलाया गया, इसके पीछे क्या इसके पीछे ये है कि जिन लोगों का इससे संबंध है इस पूरे इवेंट से, जो जिनकी कनेक्टिविटी है, उन लोगों को इसमें आमंत्रित किया, जिनके डिपार्टमेंट्स हैं उनको आमंत्रित किया, और निश्चित तौर पर ये इन सब चीज़ों का लाभ होगा। पीछे जो चीज़ें हुई उसकी अगर हम तुलना करें, पहले MOU हुए, इन्वेस्टर मीट हुई, 12 MOU हुए, लेकिन वो ऑन द ग्राउंड नहीं आए। लेकिन ये चीज़ें, कोई MOU नहीं हो रहा है, ये सीधा लोगों ने अनाउंस किया है, इन्वेस्टर्स ने जो पता कि वो ये काम हम करना चाहते हैं, ये करेंगे, और उनको फैसिलिटीज पूरी मिल रही है। और पूरा आज जब GST लागू होने के बाद व्यू थे कि 50% हिंदुस्तान का मार्केट मध्य प्रदेश से सीधा जुड़ा हुआ है, 5 राज्यों की सीमाएँ मिलती हैं, और जो लॉजिस्टिक हब बने यहाँ पे बन रहा है इंदौर में, उसका लाभ पूरे उद्योगपतियों को मिलेगा, और उद्योगपतियों के जरूरी थे कि मध्य प्रदेश इन्वेस्ट करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए एक बिल्कुल बहुत बढ़िया जगह हो गई है, और इससे निश्चित तौर पर इन्वेस्टमेंट के बाद प्रोग्रेस होगी। आपका विभाग क्या कर रहा है इसमें? हमारा विभाग है जनसंपर्क विभाग, जो इन सब चीज़ों का जो प्रदर्शनी लगी वो हमारे विभाग की, जो अरेंजमेंट्स हमारे विभाग की, सर मेरा विभाग IT, तो IT का भी अभी कन्वर्सेशन है, इसमें हम लोग भाग लेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर विपक्ष काफ़ी हमलावर है, अगर हम बात करें सड़कों की, अगर हम बात करें बिजली की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का पूरा प्लान बन गया है, उस पर काम होगा। कहते हैं हमारे साथ PC शर्मा, उनका कहना है इंफ्रास्ट्रक्चर बनने का, डेवलप करने का पूरा काम हो गया है, और उनका IT विभाग भी इसमें एक अहम रोल अदा कर रहा है। साथ ही इस बार लोग खुद आगे बढ़कर आ रहे हैं, और लोग ये तक कह रहे हैं कि हमारे काम अधिक तेज है, उससे कहीं अधिक सरकार के काम। कैमरामैन शाहजेब के साथ DJANA मीडिया ग्रुप, रिजवान अहमद सिद्दीकी, इंदौर।